स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल टेक्निकल ब्रांच में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि यदि आपके फ़ोन से पुरानी फ़ोटो यदि गलती से डिलीट हो गई है तो उसको किस तरीके से आप अपने फ़ोन में दोबारा से रिकवर कर पाएंगे, वो कैसे करना है, वो कौन सी एप्लीकेशन है, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ। यदि मान लीजिए आपका कोई पुराना फ़ोटो था, गलती से आपका डिलीट हो गया है या फ़ोन रीसेट हो गया है और आपका जो फ़ोटो है दोबारा आपको मिल नहीं रहा है, तो आप किस तरीके से इस ट्रिक की मदद से आप क्या करेंगे कि आपकी पुरानी वो फोटो है आपको तुरंत रिकवर हो जाएगा, वो सारी जानकारी इस वीडियो में बताया हूँ। तो दोस्तों, यदि आपको जानना है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखते रहिए। तो दोस्तों, जब हमें ना वेस्ट करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मेरा नाम है विनोद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेक्निकल ब्रांच। इस ट्रिक को अपने फोन में यूज करने के लिए सबसे पहले आपको इस वीडियो को यहाँ से करना होगा लाइक और यहाँ से दोस्तों आप शेयर कर दीजिएगा। और आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी के बगल में घंटी की बटन है, इस घंटी के बटन को आप दबा दीजिएगा और यहाँ पर ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर में दोस्तों आपको क्लिक करना होगा और उसके बाद में आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे की ओर जाना है। नीचे की ओर जाने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर कॉमेंट बॉक्स है, इस कॉमेंट बॉक्स में दोस्तों आपको एक कॉमेंट करना है, जैसे कि दोस्तों नाइस, ऑसम या आप अपना नाम लिख सकते हैं ताकि हमें पता चल जाए। और मैं आपके कमेंट को दोस्तों यहां से दोस्तों लाइक करता हूं और यहां से दोस्तों हट देता हूं। तो किस तरीके से आपको अपने फ़ोन में फ़ोटो को रिकवर करना है, उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना होगा, जिस एप्लीकेशन का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहाँ से जाकर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर एप्लीकेशन को कीजिएगा ओपन। जैसे दोस्तों एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, तो यहाँ पर स्टार्ट बेसिक फ़ोटो स्कैन का ऑप्शन है, तो आपको स्टार्ट बेसिक फ़ोटो स्कैन के ऊपर में आपको क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों क्लिक कर देते हैं, वैसे क्या होता है कि आपके जितने भी फ़ोटो डिलीट हो गए हैं वो सारे नीचे की ओर आप देख सकते हैं कि रिकवर कर रहा है। तब तक यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका 446, 500 इस तरीके से आपका फ़ोटो को रिकवर करेगा। तब तक आपको रिकवर जब तक करता है तब तक आपको वेट करना होगा, तब तक दोस्तों आप वेट कर लीजिएगा। ये देखिए दोस्तों, जैसी फ़ोटो रिकवर कर लेता है वैसे यहाँ पे ओके का ऑप्शन आ जाता है, तो आपको ओके के ऊपर में आपको एक बार क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक कर देते हैं तो आपके जितने भी फ़ोटो डिलीट हो गए थे वो सारे आपको यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, बहुत सारे आपके फ़ोटो जो थे डिलीट हो गए थे। तो मान लीजिए यहाँ से हम किसी फ़ोटो को रिकवर करके दिखाते हैं कैसे रिकवर करना है। इनमें से आप किसी फ़ोटो को रिकवर करना चाहते हैं या सारे को करना चाहते हैं, तो जिस फ़ोटो को रिकवर करना चाहते हैं उसके ऊपर में आपको यहाँ पर ऐसे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर नीचे देख सकते हैं कि रिकवर का और बगल में क्लीनअप का ऑप्शन है। यदि आप हमेशा के लिए डिलीट करना चाहते हैं तो क्लीनअप कर दीजिए, यदि रिकवर करना चाहते हैं तो रिकवर के ऊपर में आपको क्लिक कर देना है। करने के बाद में यहाँ पर दोस्तों आपको पूछता है कि आपको कहाँ पर सेव करना है, तो यहाँ ऊपर वाला जो ऑप्शन है सेव द फाइल, इसके ऊपर में आपको क्लिक कर देना है। करने के बाद में दोस्तों यहाँ से दोस्तों आप देख सकते हैं कि सेव टू ड्राइव का ऑप्शन है, तो सेव टू ड्राइव के ऊपर में आपको एक बार क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद में दोस्तों आपका जो है ये जो फोटो है आपका जाके वहाँ पर सेव टू गूगल ड्राइव में जाके आपका सेव हो जाएगा और आप गैलरी में जाकर देखिएगा तो ये फ़ोटो आपको दिखाई देने लगेगा। तो सेम इसी तरीके से आप अपनी डिलीट फ़ोटो को, डिलीट हुए फ़ोटो को, पुरानी फ़ोटो को आप इस तरीके से रिकवर कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ ही गए होंगे कि किस तरीके से हमें पुराने से पुराने फ़ोटो को रिकवर करना है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ।